हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका अपने इस चैनल पे जिसका नाम है दमदार ड्राइविंग ब्लॉग्स। तो गाइस, आज हमारा टॉपिक है कि हाईवे पे हमें क्या क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए। तो चलिए गाइस, मैं बताता हूँ आपको कि क्या क्या चीजें हैं जो जरूरी हैं, जिनका हमने ध्यान देना है, बेहद ध्यान देना। दोस्तों, सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमें ड्राइव करते समय तेज ब्रेक या इमरजेंसी ब्रेक नहीं लगाने। अगर ब्रेक लगाने तो हमने पीछे देख के लगाने हैं कि पीछे कोई वाहन हमारे पीछे आ रहा है, उसी के हिसाब से हमने ब्रेक लगाने। नहीं तो होगा क्या, जो पीछे से कार आ रही है वो हमारी कार में टक्कर मार देगी और उससे मतलब एक्सीडेंट का चांस बढ़ जाएंगे। ठीक है, दूसरा ये हुआ कि हमें हमेशा साइड लेते समय या साइड चेंज करते समय हमें इंडिकेटर का यूज़ करना है। होता क्या, हमारी गाड़ी साइड खड़ी है, पीछे से गाड़ी आ रही है हाईवे पे, तो हमने जैसे इंडिकेटर नहीं दिया और गाड़ी हम लेके चलते बने, तो उससे होता क्या है कि जो पीछे से गाड़ी आ रही है वो एकदम से डिसीजन नहीं ले पाती कि गाड़ी इधर को आ रही है या रुकी है, और हम एकदम से गाड़ी को लेके बढ़ जाते हैं और वो जो गाड़ी है हमारी गाड़ी में टक्कर मार देती है, उससे भी एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। गाइस, तीसरा ये हुआ कि हम जैसे किसी को ओवरटेक कर रहे हैं तो ओवरटेक करते समय हमने पहले राइट वाला मिरर देखना है कि पीछे कोई है या नहीं है, उसके बाद कम से कम 3 से 4 मीटर पीछे से राइट को जाके तब ओवरटेक करेंगे, और आगे जाके 4 मीटर आगे जाके ही लेफ्ट में एंटर करेंगे दूसरी जिस कार के हम ओवरटेक कर रहे हैं। तो होगा क्या, अगर हमने इसका ध्यान नहीं दिया तो पीछे से मिरर नहीं देखा हमने साइड से इतनी देर में कि पीछे से भी कोई कार आ रही है, तो हमसे पहले वो ओवरटेक करती है तो हो सकता है गाड़ी लग जाए हमारी गाड़ी में, उससे भी एक्सीडेंट के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। गाइस, चौथा ये कि हमने हमेशा सीट बेल्ट पहन के चलना है। ठीक है, सीट बेल्ट लगा के चलना है, और होता क्या है हमने सीट पहले एडजस्ट कर लेनी है चलने से पहले ही। उस समय होता क्या है कि हमने सीट थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो रही है हमको, तो समझो कि हमने गियर में गाड़ी चल रही है हमारी, हमने सीट एडजस्ट करने के चक्कर में इसको आगे पीछे किया, होता क्या जरा देर में सीट पूरी पीछे चले जाएगी तो आपका पैर क्या होंगे, क्लच और ब्रेक और एक्सेलेटर को कवर नहीं कर पाएंगे। हो सकता है आपकी हाइट मतलब सीट के हिसाब से कम या ज़्यादा हो, तो होगा क्या आपके पैर नहीं पहुंच पाएंगे और इतनी देर में गाड़ी कहीं आगे रोकनी पड़ गई है, पीछे से कोई गाड़ी आ रही है आपकी गाड़ी ठोक देगी, उससे भी एक्सीडेंट के चांस बढ़ जाते हैं। ठीक है गाइस, पांचवा ये, आपको अपनी कार में हाई वॉल्यूम से म्यूजिक नहीं सुनना है। उससे होगा क्या, आपके कार का म्यूजिक साउंड कर रहा है बहुत। ठीक है, पीछे से कोई कार आ रही है और वो हॉर्न दे रही है तो आपको उसका हॉर्न सुनाई नहीं देगा, और हो सकता है कि वो स्पीड में है और आपकी गाड़ी में मार देगा, एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाएंगे उससे। गाइस, छठा ये कि फ़ोन का आपको यूज़ नहीं करना है। ठीक है, फ़ोन का यूज़ करोगे तो होता क्या, हम फ़ोन में लगे हैं और पीछे से गाड़ी आ रही है, हॉर्न दे रही हो, कुछ भी है, और हमें मतलब सुनाई नहीं दे रहा, हम फ़ोन में बिजी हैं, वो पीछे से ठोक के चले जाएगा आपको, मिनट भी नहीं लगेगा। गाइस, सातवां ये कि हमें ड्रिंक करके ड्राइव नहीं करनी है। ड्रिंक करके सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं हमारे इंडिया में क्या ऑल ओवर वर्ल्ड में, हमें ड्रिंक करके ड्राइव नहीं करनी है। ठीक है, तो गाइस, आठवां ये कि आपको तनाव में रह करके ड्राइव नहीं करनी है। उससे होता क्या, माइंड में अलग अलग विचार चलते रहते हैं, तो होता क्या उससे बंदा का माइंड जो है डाइवर्ट होता रहता है इधर भी और उधर भी, क्या चल रहा है माइंड में उसके, क्या है क्या नहीं, और तो इसीलिए हमने तनाव में ड्राइव नहीं करनी है। हाँ, तो गाइस, इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें,